आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। किसी भी व्यक्ति के मन में, नेता के मन में अगर गलत फहमी है तो उस गलत फहमी को निकाल देना चाहिए। नीतीश कुमार एनडीए के चेहरा थे जब से एनडीए की शुरुआत बिहार में, आज भी हैं और जब तक आगे एनडीए को रहना है तब तक नीतीश कुमार ही इसके चेहरा बिहार में रहेंगे। एनडीए इज नीतीश कुमार, नीतीश कुमार इज एनडीए इन बिहार। हाँ तो ये तो रहा ही है भैया, एनडीए का मतलब नीतीश कुमार बिहार में, ये तो चलता ही आ रहा है। ये तो भाजपा को इस पे जवाब देना है ना कि भाई इतना नतमस्तक क्यों, क्यों भाजपा अपनी नीतियों पर बिहार में नहीं उतर पाती है। जब आप अपने सिद्धांतों पर नहीं खड़े रह सकते तो जो उपेंद्र जी ने कहा क्या गलत कहा, आज की जो सरकार चल रही है उसमें भाजपा का एजेंडा है कहाँ? सरकारी एजेंडे में भाजपा का एजेंडा है ही नहीं। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा जी बोलते हैं कि एनडीए का मतलब नीतीश कुमार, तो क्या गलत बोल रहे हैं भाई? उन्हीं के ही पार्टी के एजेंडे पे आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उन्हीं के साथ तो चल रहे हैं ये लोग, तो क्या गलत है इसमें? हाँ तो ये तो रहा ही है भैया, एनडीए का मतलब नीतीश कुमार बिहार में, ये तो चलता ही आ रहा है। ये तो भाजपा को इस पे जवाब देना है ना कि भाई इतना नतमस्तक क्यों, क्यों भाजपा अपनी नीतियों पर बिहार में नहीं उतर पाती है। CANRC सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी इनकी योजना, उसके खिलाफ बिहार में प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है, मुख्यमंत्री के सामने भाजपा के नेता नतमस्तक रहते हैं। जब आप अपने सिद्धांतों पर नहीं खड़े रह सकते तो जो उपेंद्र जी ने कहा क्या गलत कहा? आपको जातीय जनगणना पर देश भर में आप अपनी अलग राय रखेंगे, यहाँ पर आप साथ में इनके सहमत हो जाएंगे। विभिन्न और विषयों पर देश भर में भारतीय जनता पार्टी की अलग राय होती है, पर बिहार में आकर भारतीय जनता पार्टी के नेता इनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। भाई सबसे बड़ी बात जिस पर मेरा एतराज 2020 विधानसभा के चुनाव में हुआ था, कहा जाता है कि भैया सीटों को लेकर मुझे इशू था। एक तरफ डेफिनेटली यस, भाई मेरी पार्टी के इतने नेताओं ने मेहनत की, सीटों की संख्या मेरे लिए मायने रखती थी, 15 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूं, जो पार्टी इससे पहले 150 सीट, 75 सीट, 42 सीट, अब 15 सीट। आप जिस तरीके से सीटों की संख्या गिराई गई वो तो एक एतराज का कारण था ही, मेरा सबसे बड़ा विरोध का कारण था कि मेरे विजन डॉक्यूमेंट को, बिहार बस बिहारी बस, जिस पे मैंने मेहनत की, मेरे नेता अपनी अंतिम सांस तक जिस डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग करते रहे, उसको आप सरकारी एजेंडा का हिस्सा नहीं बनाएंगे। और मैं यही शिकायत मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के समक्ष भी रखी थी कि क्यों आप 7 निश्चय पर आप काम कर रहे हैं, क्यों 7 निश्चय के साथ आप जा रहे हैं, जबकि 7 निश्चय एनडीए गवर्नमेंट का एजेंडा कभी रहा ही नहीं है। 7 निश्चय महागठबंधन के वक्त बना था, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ गठबंधन में थे उस वक्त 7 निश्चय बना था। आज की जो सरकार चल रही है उसमें भाजपा का एजेंडा है कहाँ? सरकारी एजेंडे में भाजपा का एजेंडा है ही नहीं। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा जी बोलते हैं कि एनडीए का मतलब नीतीश कुमार, तो क्या गलत बोल रहे हैं भाई? उन्हीं के ही पार्टी के एजेंडे पे आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उन्हीं के साथ तो चल रहे हैं ये लोग, तो क्या गलत है इसमें?